हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों और अपने घरों में सुरक्षित हों। सच में इस समय जो सिचुएशन है कोविड वाली, वो ठीक पहले जैसी हो गई है और मुझे बहुत अचंभा हो रहा है, मतलब खुशी हो रही है कि शुभी हमारे साथ है। अचंभा मतलब सरप्राइज्ड कि हमें पता ही नहीं था कि जब हम शुभी के पास जा रहे थे कि तो हम उसको लेने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता था। हम सिर्फ मिलने गए थे, दुनिया भर की गर्भवती लेकर के अपनी बिटिया से मिलने गए थे और ये भी था कि पता नहीं वो कब आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा सामान बटोर के ले चलो, मिलने जा रहे हैं। ये जो हुआ ना मेरे साथ, इससे एक चीज तो मुझे तय हुई कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और हम लोग डिसीजन लेते हैं सच में, लेकिन करवाते हमसे वही हैं। उनकी जो मर्जी होती है ना, सब उन्हें रचना होता है, उन्हें ही सब हमसे करवाना होता है। शुभी को यहाँ उनको भिजवाना था टाइम से हम लोगों के साथ, इसलिए हमारी बुद्धि करी, हम 18 बर्थडे सेलिब्रेट करने गए और हमें लग रहा है 7th को ही हमारे मन में ऐसा आ गया कि हम शुभी को ले चलते हैं और बस उसका सामान बांधा 8th को ही और लेके चले आए। बहुत खुशी हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी, पढ़ रही है क्लास यही रूम में, दो ही कमरों के घर हैं, अब क्या करें, तो लैपटॉप में अपना ऑनलाइन क्लासेस कर रही है और घर में है हमारे पास। तो आज क्या हुआ, आज है 10th जनवरी, हमारी 8th की ट्रेन थी, कल 9th हम घर आए हैं रात शाम को 5 बजे करीब। और आज सुबह जब शुभी ने सो के उठी और अपना देखा वेखा अपना जो भी, तुरंत उसने सुबह करीब वही 8-8 बज रहा होगा, बोली मम्मी क्या कोटा में क्लासेस बंद हो गई। जब हम आ रहे थे ना, 8th को हमारी ट्रेन थी, तब तक इनकी क्लासेस बंद नहीं हुई थी। इवन 8th को भी शुभी अपनी क्लास करने ही तो गई थी, जब वो आई शाम को तब हम लोग रात में अपना सब पैक करके रखे हुए थे शाम को, फिर हम लोग आ गए। यानी मंडे उसकी क्लास थी, हमें पता ही नहीं था कि क्लासेस बंद हो जाएंगी। एक सिर्फ अंदाजा था सिचुएशन को देखते हुए कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, हालात बिगड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा ही होगा और इतनी जल्दी होगा, इसका एहसास नहीं था। यहां तक कि एक बार तो मन में यह भी आया था, बोल रहे थे गुप्ता जी कि रहने दो शुभी, अगर तुम रह सकते हो रहो, जब बंद होने लगेगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जैसे पिछली बार आ गया था मैं आ जाऊंगा लेने। तो हमने कहा हाँ ये भी ठीक है, मतलब मन भटक रहा था, हर तरह से सोच रहा था, फिर फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं इसको ले चलो, जैसे बाद में आना है लेने वैसे बाद में छोड़ जाएंगे, सब सही होगा। तो पर आज ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा किया अपने साथ लिया। एक तो मेंटल पीस रहती है, अपने बच्चे अपने पास में, घर के बाहर दुनिया में जो हो रहा है उसे जो घबराहट होती है, अपने बच्चे दूर हैं तो और ज्यादा चिंता होती है, वो खत्म हो जाती है। और बच्चों को भी कि हाँ हम घर में हैं, एक सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है। बस यही मैं कहना चाहूंगी इन शॉर्ट कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, भगवान होते हैं और वो हमें सही रास्ते पे लेके जाते हैं जब हम पूरी तरीके से उन पे अपना सब छोड़ रखते हैं। मैं तो अब हर चीज में यही मान के चलती हूँ कि महाराज ही करते हैं, वही सब करवा रहे हैं और उन्हें ही सब करना है, हमारे बस का नहीं है कुछ। मैं तो थकी हारी थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां, मतलब अब थक हार गई हूं मैं परेशानियों से, तो अब मेरा दिमाग भी ज्यादा चलता नहीं सिचुएशन को देखते हुए, बस सब उनके ऊपर छोड़ रखा है। और आज क्या करने वाली हूँ, चलो देखते हैं आज का हमारा काम। कल शाम 5 बजे हम कोटा से वापस आए, कल संडे था, वापस आए तो ढेर सारा काम, थकान बहुत ज्यादा थी, खाने में भी बहुत ही था कि शॉर्टकट करना है तो दाल रोटी बनाया और खाया गया, शूटिंग की थी मैंने लेकिन, और रात में ही सब पूरा किचन क्लीनिंग करके लेटी थी। सुबह ये देखो अपने आप ही आँख खुलती है मेरी, क्योंकि वो सुबह से ही सब मेरे अपने काम शुरू रहते हैं, फिर सब लोग सो रहे हैं, दोनों रूम के दरवाजे भिड़े हुए हैं ना, मतलब यहाँ जब लाइट खोलो सुबह सुबह तो रोशनी फिर दोनों रूम में जाती है ना, या मैं बर्तन उठा के रख रही हूँ तो आवाजें खट खुट खट शुरू हो जाता है ना, तो नींद ना खराब हो, तो भिड़ा दिया था मैंने दरवाजे। और ये मैंने बनाई है अपने लिए चाय और फिर अपने काम पे लगी सुबह के समय में, मेरा यूट्यूब का जो काम करना होता है सब सुबह सुबह करती हूँ जितना हो सका। तो उसके बाद घंटी बजने लगती है टन 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 टन, क्यों टिफिन की जैसे लंच के टाइम की ब्रेक होता है ना स्कूलों में तो घंटी बजती है, वैसे मेरे दिमाग में भी घंटी बजती है खाना बनाने वाली कि खाना बनाना है। फटाफट से आलू मटर की सब्जी और दाल रोटी बनाई, लेकिन मैंने शूटिंग नहीं की थी,
और फिर कुछ कपड़े थे तो वो सुबह फिर आज मशीन में डाले थे। फिर हम उनका खाना हुआ, टिफिन लेके गए हमने और बच्चों ने खाया, और फिर हम लोग दोपहर में आराम किया। शुभम मेरे ही साथ लेट गया था। शुभी की क्लास दोपहर की है, मतलब उसकी जैसे दो शिफ्ट होती है ना ऑनलाइन क्लासेस, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, तो उसको वही मिला था दोपहर वाला 2 बजे से। तो वो अपना क्लास के लिए बैठी हुई थी, उसकी 2 से 7 कंटिन्यू बैठना है उसको, क्लास है उसकी ऑनलाइन। और शुभम मेरे पास दोपहर में आया, लेटा हुआ था। अब मैं शाम की शूटिंग कर रही हूँ, मतलब बर्तन वर्तन में सब धो के लेटी थी दोपहर के खाने के बाद, 2 के बाद ही लेटी हूँ मैं शायद। हाँ, शुभी बैठ गई थी क्लास के लिए, उसके बाद मैं आई थी। और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, अदरक वाली। ये हार्ड एनोडाइज्ड टी पैन है और इसमें मैंने अभी पानी और अदरक डाला है। मैं आज गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। ये स्टील के ग्लास कंटेनर में कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ, न्यू है, ऑनलाइन लिया है मैंने, और ये बहुत ही अच्छे हैं। एक तो इसमें जो ग्लास बीच में से दिख रहा है तो ये नजर आता है कि इसमें क्या रखा है, लिड भी अच्छी है। और मैंने चीनी चाय की पत्ती रखी है, हालांकि हम चीनी चाय में इन दिनों यूज नहीं कर रहे हैं। और एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी स्पेशली कि गुड़ के साथ आप चाय दिखाइएगा, फटती कैसे नहीं है, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। फिलहाल जैसे मैंने दूसरे कंटेनर में चीनी रखी है, इन कंटेनर्स में ना आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसकी लिंक मांगी है तो मैं आज आपको लिंक देने वाली हूँ कुछ ये जो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ। ये देखिए चीनी रखी है ना मैंने, इसे चीनी में लौंग डाली है जिससे चींटी वगैरह नहीं लगती हैं। और बस चीनी चाय की पत्ती दिख रही है, ऐसे आप सेम ड्राई फ्रूट्स के लिए ले सकते हैं। ये मैंने गुड़ डाला है, देखो अभी अदरक और चाय की पत्ती खौल रही थी और मैंने गुड़ डाला। गुड़ भी मैंने इस तरीके से स्टील के डब्बे में टुकड़े कर करके रखे हुए हैं। इस तरीके का जार भी ले सकते हैं, एक जैसा लगेगा अच्छा लगेगा गुड़ वाला। मैं सोच रही हूँ 2 ऐसे और जार लूंगी, एक में मैं गुड़ रख लूँ तो दिखाई देगा चीनी है और ये गुड़ है, और इस तरह से लाइन से रख दिया। चीनी, चाय की पत्ती, गुड़, चाय तो एक में कॉफी भी रख सकते हैं ना, बढ़िया है एक जैसा। क्योंकि बहुत से लोग अब आजकल चीनी नहीं पसंद करते हैं तो गुड़ डाल के, देखो गुड़ डालने के बाद भी मैंने दूध डाल के चाय बॉईल की, फटी नहीं। ये मैं चाय के साथ खाने वाली हूँ, मुरमुरे, नमकीन, चिवड़ा। और ये ग्लास जार में मैंने भर के रखा है। मुझे लग रहा है मैं शुभी के पास जा रही थी ना तो मैंने चूड़ा बनाया था, एक जार ये भर के रखी थी मैंने। ये देखो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है उसका एज इट इज, मतलब कुछ मॉइस्चर नहीं गया। एयर टाइट लॉक, एयर टाइट तो नहीं है लेकिन जो उसका लॉक है वो अच्छा है। और ग्लास में, ग्लास जार है कंटेनर, तो इसमें किसी भी तरह की स्मेल वगैरह नहीं है। और एकदम कुरकुरे जैसे मुरमुरे है ना, कुरकुरे वैसे ही हैं, क्रंची। और जो जार अभी मैंने स्टील के दिखाए ना चीनी चाय की पत्ती, ये उसी क्वालिटी में, सेम क्वालिटी है, सेम ब्रांड है, फेमोरा करके है। और ये वाले 1 केजी वाले, जैसे आप ग्रोसरी रखना चाहे ना तो 1 किलो दाल चावल भर के रख सकते हैं उसमें। और चाय बिल्कुल भी फटी नहीं है, मुझे लगता है शायद ये गुड़ की क्वालिटी होती है शायद। अभी एक नया गुड़ मंगाया है मैंने, वो फोड़ के डालूंगी तब मैं आपको पैकेट दिखाऊंगी ना। ये मैंने पहले फोड़ लिया था तो शायद मैं दिखा नहीं पाई क्या। मैं अपनी चाय लेके आई हूँ शुभी के रूम में, क्योंकि 2 से 7 जैसा मैंने बताया ना उसकी क्लास चल रही है। शेर रखा है शुभम का, बचपन का है उसका छोटा सा। और मैं यहाँ पे चाय और ये नमकीन खा रही हूँ, शुभी की यहीं पर क्लास चल रही है ऑनलाइन, 2 से 7 है ना। मेरा नींद सोना भी हो गया और चाय लेके बैठी हूँ। ये आई है स्ट्रॉबेरीज, तो अभी मैं इनको कट करूंगी। एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी देख के कितना मजा। और ये देखो रेड चिली फ्लेवर में है ये मसाला काजू। गुप्ता जी को बहुत पसंद है तो अपने लाते रहते हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, अलग अलग फ्लेवर के आते हैं। और ये ऐसे टिन पैक रहता है, फिर बस ये टिन ऐसे खोल लेते हैं। और ये 300 कितने का है, 340 रुपए का ना। हाँ, 340 रुपए का है ये डब्बा काजू का मसाले वाला। और यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी, इन दिनों हल्का ठंडा है ना, हल्की ठंड में स्ट्रॉबेरीज बहुत आती हैं और केजी के हिसाब से मिलती है। मतलब ये नहीं कि डब्बे में मिले, जो बॉक्स में मिलता है तो कई बार कुछ तो ऐसे डैमेज रहती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ तौल में मिल रही होगी। तो ये 40 रुपीज की है, 250 ग्राम। हाँ, 250 ग्राम 40 रुपीज की है ये फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी। तो अभी वही धुल के काटूंगी, शुभ हम लोगों को देती हूँ। शुभी इससे पहले लेकर आए थे ये ब्लैक पेपर फ्लेवर, पूरे काजू में कोटिंग है
उन्हें ही पसंद है, वही खाते हैं, अपना लेके आते हैं तो उनको पसंद का अलग अलग दो तीन डब्बे इकट्ठे हो रखे हैं ऐसे। तो मैंने तो बच्चों के, जैसे इनका डब्बा खाली हो जाता है ना, फिर मैं उसमें भर देती हूँ कुछ भी बच्चों के लिए। अभी मैंने एक अखरोट खाली करके रखा है एक डब्बे में, और एक में एक पिंड खजूर रखे हैं, बच्चों के टेबल पे रख दिया है कि सामने रखे हैं ट्रांसपेरेंट ना, वो अपना निकाल के खा लेते हैं। और गुप्ता जी का वो बॉक्स कॉर्नर वाला ठिकाना है, उनकी खाने की पसंद वाली चीजें, उनके शेंगदाने, भुने चने, और ये जो भी उनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको खाने वाले, मतलब बाकी तो जो मेरी अलमारी में रहते हैं ना, वो किचन ग्रोसरी वाला मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि इतना फिर वो मिक्स हो जाता है। कई बार मैं कुछ बना रही हूँ और पता चला खाली है डब्बा, इसलिए वो मैं डब कंटेनर अलग रखती हूँ किचन में यूज वाले। और ये मैंने काट के दिए दोनों बच्चों को। यहाँ शुभम बैठा है, शुभम की ऑनलाइन क्लास वो चल रही है, ट्यूशन क्लासेस भी बंद हो गई हैं, पोदार स्कूल भी बंद हो गया, जैसे तैसे शुरू हुए थे भगवान का नाम लेके सब बंद हैं, घर में ही हैं। ये स्टेनलेस स्टील जार सेट ऑफ टू, इसकी प्राइस आपको डील ऑफ द डे में मिलने वाला है 579 रुपीज में। और इसमें आप ना चीनी चाय की पत्ती तो मैंने रखी है, आप इसमें किसी भी तरीके की नमकीन, स्नैक, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख सकते हैं। हार्ड एनोडाइज्ड मटेरियल में ये जो टी पॉट है, टी पैन, इसमें डील ऑफ द डे है और इसकी प्राइस डील ऑफ द डे में आपको मिलेगा 699 रुपीज में। ये जो ग्लास जार है कंटेनर, इसकी प्राइस है 595 और ये पूरा 1 लीटर का है। इसमें आप दालें भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं और किसी भी तरीके के स्नैक्स, स्वीट्स भी रख सकते हैं। ये ना शॉपिंग बैग है जिसमें कि ट्रॉली लगी है, ट्रॉली शॉपिंग बैग, और इसकी प्राइस है 399 रुपीज। तो जैसे ये छोटा सा है ना, तो छोटा सा बैग है, वेजिटेबल्स है या घर में कुछ भी ग्रोसरी जरूरत का सामान ला सकते हैं, या कहीं आप बाहर जा रहे हैं और अपने साथ में कुछ सामान ले जाना है, थोड़ा हैवी है तो ये ट्रॉलीज है, अच्छा है ना, 399 का है। तो छोटी मोटी शॉपिंग के लिए हल्का फुल्का सामान, ब्रेड आई है, सैंडविचेस बनेंगे, शुभम को सैंडविच खाने का मन है, वो भी आलू वाले, क्योंकि जो सैंडविच खाए हैं उन लोगों ने अभी बाहर में, उसमें उनको मजा नहीं आ रहा है, घर वाले खाने हैं सब मुझसे के आलू वाला सैंडविच। और इस बैग में एक और खासियत है, जैसे ये जिप लगी है ना, अगर आप इसको जिप खोल लेते हैं तो ये एक्सटेंड हो जाता है, साइज भी इसका बड़ा हो जाता है, तो जब आपको छोटा करना है तो आप ये वाले जिप लगा लेते हैं तो छोटा हो जाएगा, और जब बढ़ाना है इसको तो इसको खोल लेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, यूज कीजिए। और ये लिया था ना मैंने नॉन स्टिक सैंडविच मेकर, गैस स्टोव में भी यूज होता है ये, और बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। इसकी प्राइस है 400 रुपीज और ये नॉन स्टिक ही है, तो इसमें मैं बनाऊंगी सैंडविच। पहले इस तरीके का एल्यूमिनियम के आते थे ना हम लोगों के कॉलेज टाइम पर, और अब ये इस तरीके का नॉन स्टिक में आ गया है। और मैंने कुकर में रखा है आलू उबालने, तो ये जो कुकर है ना वो हॉकिंस का है, हार्ड एनोडाइज्ड हॉकिंस फ्यूचरा का है, और 3 लीटर का कुकर है। ये जो नए आलू हैं उनके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, नए आलू के पराठे खाने में बहुत स्वाद होते हैं। अभी मैंने जो आलू उबालने रखे हैं ना, वो नया आलू जिनका छिलका बहुत पतला होता है, इस सीजन में ही शुरुआत होती है आलू की, और हालांकि काफी दिन पहले से शुरू हो रखा है, हमारे घर अभी शुरू हुआ है आना, और इससे पहले पुराना ही आ रहा था। मैंने आटा में थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से मल के रखा है, और 2 या 3 सीटी में ही आलू उबल गए हैं। आलू का छिलका बिल्कुल पतला, कागजी एकदम पेपर जैसा बिल्कुल निकलता है, बल्कि और भी नया जब आता है ना तो छिलका ही नहीं उतरता, इतना बिल्कुल चिपका लेयर सी रहती है उस आलू की। तो आलू मेथी बहुत टेस्टी लगती है, वो आलू खाने को नहीं मिला मेरे को, वो जो चिपका रहता है छिलका वाला वो आया ही नहीं आखिरी समय तक, तो मतलब विंटर्स भी शुरू होके क्या खत्म होने को है वो साल में, वो आलू अभी घर में नहीं आया। और ये कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया मैंने, गरम होते ही तेल, ये मैंने डाला जीरा,
और एक चम्मच डालिए सौंफ, क्योंकि ना सौंफ का टेस्ट आलू, ये मसाले वाले आलू में बहुत खास लगता है। थोड़ी सी हींग डाली है, बल्कि दरदरी सी खड़ी धनिया भी बहुत अच्छी लगती है, खड़ा धनिया। ये हरी मिर्च डाली है कटी हुई, और अदरक कद्दूकस किया हुआ। बस ये सारे मसाले डाले हैं, हरी मिर्ची, अदरक, हींग, जीरा, सौंफ। और अदरक तो टेस्टी लगती ही है। और ये मैंने जो आलू भी मैश किए हैं ना, ये डाल दिए, हल्के हल्के से, खड़े खड़े से भी है ना, मतलब कद्दूकस नहीं किया मैंने आलू, बस ऐसे ही फोड़ दिया फोक से। अब मैंने नमक डाला है, क्योंकि जब मैं आलू भूनूंगी ना तो नमक अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाएगा। रॉक सॉल्ट यूज किया है मैंने, कई बार एक जगह, एक बारी एक जगह चिपक सा रह जाता है, तो ये ऐसे मिक्स किया ना पूरा। अभी मुझे मैश करता रहना है और आलू भूनना है, तब तक पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। इस आलू में मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो आलू की सब्जी जैसा लगने लगता है। पर मैं यहाँ सूखे मसालों में लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने धनिया पाउडर का भी यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं हरा धनिया ज्यादा सा डालूंगी। ये गरम मसाला बहुत थोड़ा सा डाला है, आधे चम्मच से भी कम ना, बिल्कुल बस एक फ्लेवर आना चाहिए केवल। और ये अमचूर पाउडर लास्ट में डाला है, हल्का खट्टेपन के लिए, क्योंकि जैसे चाट वाला जो स्वाद आता है ना समोसे के आलू में, वो अमचूर से, हल्का सा भी अमचूर से खट्टापन आ जाता है। बस अब ये सूखे मसाले इतने ही डाले हैं, लाल मिर्ची, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। ये डाल करके सब अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके, और इसको मीडियम आंच में मैं भून रही हूँ। कढ़ाई हैवी बर्तन रहता है तो चिपकता भी नहीं आलू, और देखो तेल बहुत कम ही है, मैंने सरसों का तेल यूज किया है ऊपर, कम ही डाला है, और अच्छे से भून लिया, मतलब ऐसे ऑयली ऑयली नहीं है वो आलू। जब अच्छे से भून गया है, फिर गैस बंद कर दिया और कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया बस। और धनिया पत्ता डाल के मिक्स करके फिर अच्छे से उसको मिक्स करेंगे ना, वो कढ़ाई अभी गर्म ही है, और जैसे सारी आलू एक जगह जमा हो जाए। और आलू का मसाला ज्यादा सा भी भर के पराठे बना रही हूँ मैं, जितनी गेहूं के आटे की जो लोई है ना उतने बराबर आलू भरा तो फटता नहीं है। ये जो नया आलू है ना, इनके पराठे बेलने में भी बहुत अच्छे भर के बेलते बनते हैं, चिपचिपापन नहीं है ना जरा भी, स्टिकी नहीं रहता। बस पराठे बना, मतलब भर के बेल करके अब मैं सेकती जा रही हूँ। जितना भी ज्यादा भी अगर आपने आटे से भी ज्यादा भर दिया ना, फिर भी वो पूरा अच्छे से बेले जाता है, तो नए आलू में ये खासियत रहती है। और शुभी अभी कोटा से आई है, उसकी तो जैसे भूख ही गायब है, मतलब मैं वहां कोटा में भी देख रही थी, वो खा नहीं रही थी। मैंने शायद बताया था ना एक दिन, जैसे पहले हमारी शुभी की प्रॉपर डाइट थी घर में जब तक थी, उसका काफी फर्क आ गया है, उसको भूख ही नहीं महसूस होती। बस उसको ये पता है कि अच्छा नाश्ते का टाइम है तो अच्छा खा लेना है, और खुराक भी बहुत कम हो गई है, उसको भूख ही नहीं लग रही है। हालांकि कल ही घर आई है, अभी फर्स्ट डे है उसका, सुबह भी उसको भूख कम लग रही थी, लग ही नहीं रही थी, नाश्ते के लिए भी कह नहीं रही थी, मन नहीं था उसका। और ठंड तो जैसे उसके जहन दिमाग में बैठ गई है, बस गई है ठंड उसके शरीर में। सुबह से जो स्वेटर पहन लिए लड़की, उतारने का नाम ही नहीं, पूरा दोपहर धूप कितनी तेज थी गर्मी। शुभम तो टी शर्ट में घूम रहा है, मेरे को तो ठंड लग ही नहीं रही है, और शुभी स्वेटर उतारने का नाम ही नहीं ले रही। सॉक्स पहन रही है तो पहनी ही है, सॉक्स और स्वेटर जो भी पहने, और हम लोग बिना स्वेटर, और मतलब ठंड की फीलिंग ही नहीं है। और ये तो मैं शुभी से हंस रही थी, शुभी तुम्हारे दिमाग में बस जैसे लोगों के बस जाती है ना कुछ चीजें, वैसे तुम्हारे शरीर में बस गई है ठंड, लेके आई हो क्या कोटा में, उसने इतनी खतरनाक ठंड देखी ना। तो एक्चुअली जो शुभी यूपी में जन्म हुआ है, शुभी का बांदा में उसकी नानी के घर में, 6 जनवरी जिस दिन शुभी हुई थी ना, डेट ट्यूजडे, और 94 बर्फ के ओले पड़ रहे थे, मतलब इतनी भयानक ठंड थी। उसके बाद शुभी को क्या पता रहेगा जब बचपन हुआ, और उसके बाद जब जब ये लोग गए तो ठंड में गए नहीं यूपी। शुभम की पैदाइश है मार्च, और मैं शुभम की डिलीवरी के लिए दिसंबर में पहुंच गई थी 3 महीने पहले, तो तब जनवरी में शुभी रही होगी यानी 3 साल की, तब उसने ठंड देखी होगी यूपी की। और उसके बाद से जो शुभम हुआ है, तो हम कभी लगातार यूपी में ठंड में नहीं गए रहने, तो इन बच्चों को ठंड का एहसास नहीं है। कोटा में खतरनाक ठंड शुभी ने पहली बार अपनी अपनी बड़ी याददाश्त में ऐसे देखी और झेली है लगातार 2-3 महीने। अब मैं बना रही हूँ शुभम के लिए सैंडविच, तो मैंने ब्रेड स्लाइस में ना, एक स्लाइस में लगाया है चटनी, हरी चटनी, और एक में लगाया है आलू मसाला, और ये
सैंडविच टोस्टर है, इसमें मैंने घी लगाया है। एक साइड ब्रेड ऐसे रख करके पलट दिया है, ऊपर से ब्रेड में घी लगा दिया है। घी, ऑयल, बटर कुछ भी जो बच्चे पसंद करें आप लगा सकते हैं, और बस इस टोस्टर में रख दिया। ये टोस्टर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे आलू मटर की सूखी सब्जी बनी है रात के खाने में, और सुबह नाश्ते में कुछ बनाना है, ब्रेड स्लाइस है, चलो सूखी सब्जी भर दो और सैंडविच सिक गया। और जैसे अभी मैंने आलू के पराठे बनाए, शुभम को सैंडविच, शाम से सैंडविच खाने का मन कर रहा था, उसको ब्रेड आई है ना, जब से देख लिया और मैंने निकाल के रखा टोस्टर, तो बस उसको सैंडविच खाने हैं, बस फटाफट से सैंडविच तैयार हो जाते हैं। कई बार आप मायोनीज के साथ में ऐसे कुछ गाजर और कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न मिक्स करके भी चीज वीज डाल करके इसमें सैंडविच बना सकते हैं। यहाँ तक कि सूजी का सैंडविच भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ ना, वो भी इसमें बन जाता है। तो सैंडविच बना लिए हैं मैंने, बहुत ही जल्दी बनता है गैस में, ऐसे फ्लिप कर दोनों साइड पलटते जाओ, हंसे हंसे से हाथ से लेकर के जैसे चिमटे से रोटी सेकते हैं वैसे ही पकड़ के हैंडल पलटते जाओ, सिक जाता है। बस अब मैंने प्लेट निकाली है, हरी चटनी है, हरी धनिया वाली, और गर्मा गर्म आलू के पराठे। अभी भी मैंने प्लेट निकाली ना, शुभी बगल में ही खड़ी है और भूख नहीं लग रही है, शुरू है उसका। मैंने कहा भी टाइम लगेगा वहां पर, वो बच्चों का ना बताया तो बाहर में भी बच्चे चले जाते हैं तो कितना बेचारों की तो भूख प्यास सब मर जाती है चिंता में। ये देखो शुभी का स्वेटर उतर नहीं रहा है। ये ना मेरा कार्डिगन है, मेरा स्वेटर, शुभी के तो स्वेटर हम लाए ही नहीं, हमने सोचा अब यहाँ तो ठंड है नहीं, तो मैंने शुभी से कहा कि क्या करेंगे शुभी, ले जाएंगे फिर तुम्हें वापस, तो यहीं आना, यहीं जरूरत है, तो बस एक जो वो पहन के आई थी बस वही पहन के आई, ये मेरा कार्डिगन रखा था तो मैंने उसको वही दिया पहनने के लिए कि पहन लो शुभी। एक जैकेट भी है वो भी दिया है उसको, फिलहाल वो यहाँ पर वही सब पहन लेगी। उसकी ठंड नहीं जा रही है अभी, उसको कुछ गर्म चीजें खिलाऊंगी मैं अब। और यहाँ सब खाना पीना हुआ। फ्रेंड्स, आज मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेरा लिंक वेबसाइट के थ्रू परचेज किया है। मेरा लिंक वेबसाइट एक कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट है, यहाँ से आप कोई भी शॉपिंग करते हैं ना तो आपको मिलता है फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी और डील ऑफ द डे तो होता ही है। साथ ही यदि आप फर्स्ट शॉपिंग कर रहे हैं, फर्स्ट कस्टमर हैं, तो आपको मिलता है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और यदि आपको शॉपिंग करने में दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आपको वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू शॉपिंग करने की भी फैसिलिटी है, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो आप चेक कर सकते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और मेरा लिंक में ना 5 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी भी होती है, तो यदि आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, आपको पसंद है, तो आप चेक कर सकते हैं। और खाना वाना खाने के बाद हम सब लोग यहाँ बैठे रोज की तरह बाय टाटा करने के लिए। अब देखो सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल हमारे घर में फिर से तैयार हो गया है। सोफे के एक कोने में गुप्ता जी कोने में पकड़ लेते हैं, दूसरा कोना हमारा रहता है, वो सिंगल वाला सोफा, वहां मैं बैठती हूँ। वो तो बाय के लिए यहाँ बैठी थी, अभी दोनों बच्चे दीवान के कोने कोने में बैठे रहते हैं। और शुभी के पास हम सारी चीजें लेके गए थे, मतलब ब्रश, टूथपेस्ट से लेकर के उसके रात में मतलब खाने के बाद मीठा खाने तक का, लेकिन एक चीज रह गई थी, क्या? मूंगफली। और ये मूंगफली लखनऊ से आई थी, जब हम लखनऊ गए थे मम्मी ने खास शुभी के लिए दी थी, शुभी को बहुत पसंद है ना, तो तब तो मतलब गर्म भुनी हुई आई थी, और ये बंधी हुई पैकेट कहीं कोने में रखा हुआ था।